यार ड्रॉइड रोम का जो है फर्स्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ एंड्रॉयड 14 का Redmi Note 5 Pro के लिए। और अरिजीत शाह की तरफ से ये अनऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉयड 14 का सियार ड्रॉइड की तरफ से। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, कंप्लीट रिव्यू करूँगा और क्या कुछ यहाँ पे हमें मिलता है। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये डायनमिक पार्टीशन ही रोम है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन पर इंस्टॉलेशन वीडियो है और रिकमेंडेड रिकवरी भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सीआर ड्रॉइड का 10.1 का अनऑफिशियल एंड्रॉइड 14 बिल्ड है और सिक्योरिटी पैच आपको जनवरी 2024 का मिल जाता है, वेंडर नवंबर 2018 का है। कर्नल एलेक्जर रिवोन 5.0 मिलता है, 4.19 बेस्ड कर्नल यहाँ पे रहेगा। और इसका एनिमेशन की अगर बात करें तो थोड़ी जिटरी से आपको फील ज़रूर होता है यहाँ पे QoS पैनल में, या बाकी जगह भी हल्का फुल्का सा होता है। एंड इंटरनेट टाइल पे आपको हॉटस्पॉट मिल जाएगा एंड डाटा यूजेस से एडवांस रिस्टार्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं एडिट के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको सेपरेट टाइल वाईफाई मोबाइल डाटा का मिल जाएगा और भी काफ़ी सारे टाइल्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले, क्योंकि ये कस्टमाइजेशन रोम है। कस्टमाइजेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मिलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से थोड़ा लैग होता है यहाँ पे, नॉर्मल के मुकाबले लैग आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, खासकर ऐप ओपनिंग इन सब जगह पे। और यहाँ पे वॉल्यूम पैनल हमें 4 पैनल वाला मिलेगा। ऐप ओपनिंग एनिमेशन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा सही है, इसमें आपको जिटरी ऐसा कुछ फील नहीं होता। हाँ, कुछ एप्लीकेशन डिले हो सकता है हल्का सा, बट ज़्यादातर आपका अच्छे तरीके से ओपन हो जा रहा है। रिसेंट पे नीचे मेमोरी इन्फो मिल जाएगा, डिलीट एक क्लियर रोल है, स्क्रीनशॉट है जिसमें डिलीट का ऑप्शन मिलता है, आइकन पे टैप करोगे तो किल है, लॉक है, स्प्लिट स्क्रीन है, फ्री फॉर्म विंडो है, तो ये सब आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा जिनका यूज़ आप कर पाओगे। और इसके अंदर कैमरा हमें यहाँ पे MIUI वाला मिल जाएगा, जिसमें वही वाटर मार्क आपको AI वाला और पोर्ट्रेट मोड का ये सब बग मिलता है। बाकी के ऑप्शन जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, पैनोरामा मोड या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो या नॉर्मल पिक्चर क्लिक करना हो वो सब आप कर पाओगे। तो इनको लेकर के ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल देखने को हमें नहीं मिलता। और GCam यूज़ करना होगा तो आप इंस्टॉल कर लेना, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऑडियो इफेक्ट्स भी इसके अंदर मिल जाता है जो कि काम कर रहा है। FM भी है, गैलरी नॉर्मल आती है, बट गूगल फोटो इंस्टॉल करोगे तो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट यहाँ पे गूगल फोटो पे मिलता है, तो इसको लेकर दिक्कत नहीं है। गेम स्पेस न्यू आइकन के साथ ही मिलता है यहाँ पे सेटिंग्स, बाकी आगे हम बात करेंगे। ओके गूगल है जिसका आपको बग यहाँ पे मिलेगा। म्यूज़िक प्लेयर भी आपको प्री इंस्टॉल इसके अंदर मिल जाता है। बाकी प्ले स्टोर हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है सर्टिफाइड है, तो सेफ्टी नेट को लेकर के ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी नेट बिल्कुल आपको पास मिल जाएगा। अब बैंकिंग आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। वॉलपेपर इन स्टाइल की तरफ अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इसके अंदर वैसे वॉलपेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वॉलपेपर ये आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन सारे बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। और नीचे थीम्ड आइकन है, आइकन पैक है, फॉन्ट है और आइकन शेप है, तो ये सब रहेगा। लॉकिंग के अंदर आपको यहाँ पे क्लॉक स्टाइल मिल जाएगा, कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे, कलर साइज का मिल जाएगा जिसमें डायनेमिक या स्मॉल का आपको मिलता है। कलर्स में यहाँ पर सेलेक्ट तो कर लेते हैं, कलर चेंज होता है बट कलर की जो ओपेसिटी है वो यहाँ पे अभी फिलहाल कम ज़्यादा नहीं होता है, तो इसका फिलहाल अभी फिलहाल तो बग मिलता है। और फिर लॉकसिन शॉर्टकट रहेगा। और मोर लॉकसिन ऑप्शन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है डायनेमिक क्लॉक, बैकसिन फोन नोटिफिकेशन ये सब देखने को मिलेगा। कॉलिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैरियर वीडियो कॉल का बग देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर जो हमारा वाईफाई कॉलिंग है उसका बग रहेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वर्किंग है अच्छे तरीके से, ब्लूटूथ डिवाइस वो भी आपका यहाँ पे मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर अच्छे तरीके से काम करने वाला है। और अगर हम बात करें बैटरी को लेकर तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 81% जो है हमें इसके अंदर बैटरी देखने को मिली है। और वहीं अगर हम चार्जिंग को लेकर बात करें तो 73% लास्ट का चार्ज करने में 2 आवर 6 मिनट के करीब का टाइम इसके अंदर में जो है लगा है। अब यहाँ पे बैटरी ड्रेन अगर हम देखें तो 62% नाइट में था, मॉर्निंग में यहाँ पे 58% मिला है, जो कि टोटल अगर हम देखें तो 4% के करीब का बैटरी ड्रेन यहाँ पे नाइट में हुआ है। और अब सेटिंग्स की तरफ चले तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में यहाँ पे सिम में जाते हो तो इसके अंदर आपको जो प्रेफर्ड नेटवर्क्स हैं वो काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, तो उनको लेकर के ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल यहाँ पे नहीं है। और हॉटस्पॉट को लेकर अगर हम बात करें तो हॉटस्पॉट भी इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हॉटस्पॉट को लेकर भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्राइवेट DNS की तो ये काफ़ी सारे मिल जाते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर आपको ब्लूटूथ टाइम आउट मिलेगा और वाईफाई के अंदर भी वाईफाई टाइम आउट आपको देखने को किसी तरीके का
मिलेगा। एंड कास्ट बिल्कुल काम कर रहा है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और ऐप्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है क्लोन्ड ऐप देखने को मिल जाएगा जो कि वर्किंग है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, इसका यूज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। एंड लॉन्चर यहाँ पे सीआरड्रॉइड होम वाला जो है देखने को मिलेगा जो कि एंड्रॉयड 13 में मिलता था उसी टाइप का रहेगा। आइकन की सेटिंग्स मिल जाती, होम स्क्रीन में आपको वॉलपेपर, स्क्रॉलिंग, जूमिंग, हॉट सीट, बैकग्राउंड, एड ग्लेंस, सर्च बार ये सब रहेगा। ऐप ड्रॉयर के अंदर में आपको थीम्ड आइकन, ऐप सर्च बार ये सब मिल जाएगा, बैकग्राउंड ओपेसिटी एंड रिसेंट के अंदर मेमोरी इन्फो, सैक फोन टू क्लियर ऑल टास्क ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। मिसलेनियस के अंदर टास्क बार भी दिया गया है, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स भी है, बट यहाँ वाला ऐप लोग यूज़ मत करना, सिक्योरिटी वाला यूज़ करना, ज़्यादा सिक्योर रहेगा। अब वहीं नोटिफिकेशन में जाते हैं तो फ्लैश नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे कि एंड्रॉयड 14 है तो इसके साथ ये मिलेगा। कलर फ्लैश कर सकते हो स्क्रीन पे जैसे कि, या फिर कैमरा फ्लैश लाइट जो है उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, तो ये सब आपका काम कर रहा है। और बैटरी के अंदर जाने के बाद बैटरी यूजर्स है, बैटरी सेवर है, बैटरी ऑटोमाइजेशन है, टेम्परेचर है, तो ये सब आपको बैटरी से रिलेटेड मिलेगा। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर मल्टीपल सिम रिंगटोन लगा सकते हो, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रही है, और रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न भी है, तो यहाँ पे कस्टम वाइब्रेशन भी आप इजिली जो है लगा पाओगे। और पर है वॉल्यूम कंट्रोल भी है, एंड यहाँ नीचे फिर चार्जिंग जो साउंड है वो भी आप चेंज कर पाओगे। डिस्प्ले के अंदर एक्स्ट्रा डिम मिल जाता है यहाँ पे, एंड डार्क थीम हो गया इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे यूज़ ब्लैक थीम का जो ऑप्शन है वो आपको प्योर ब्लैक वाला वो मिल जाएगा। एंड नाइट लाइट है, लाइव डिस्प्ले है, रोटेशन मोड्स मिल जाते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। टैप टू वैक वर्किंग है, टैप टू स्लीप है, बैक ऑन प्लग है, और एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है जो कि सभी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और एसेबिलिटी के अंदर आपका यहाँ पे जो है ये सारे ऑप्शंस भी वैसे बिल्कुल वर्किंग है। सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे फिर हमें जो है फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाता है, हालांकि फेस अनलॉक ऐड करने के बाद आपको रिबूट की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल वर्किंग ऐड करते यूज़ कर पाओगे। मोर सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे वैसे आपको ऐप लॉक भी मिल जाएगा, तो ये वाला ऐप लॉक यूज़ करना, वैसे ये रोम जो है बाय डिफॉल्ट आपको डिक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है। तब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पैटर्न साइज़ दिखा दूँ, मिलता है या नहीं मिलता है, तो पैटर्न साइज़ हमें मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ, फिंगरप्रिंट और इसका फेस अनलॉक। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट देखोगे तो फिंगरप्रिंट का जो रिस्पॉन्स है कुछ इस तरीके का रहेगा, तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा ही है। और अगर हम फेस अनलॉक की बात करें तो लाइट के हिसाब से कैसा लाइट आपके रूम में किस तरीके से फेस डिटेक्ट करने में बाकी अच्छे से काम कर जाता है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स अगर आप देखोगे तो आपको स्क्रैम्बल लेआउट और यहाँ पे जो है क्विक अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रैम्बल लेआउट से जैसे कि नंबर लेआउट चेंज हुआ पड़ा इस तरीके से काम करता है, और अभी एंड्रॉयड 14 के साथ नंबर एंटर करते हो तो अलग अलग सेव में वहाँ नंबर एंटर होता है, तो थोड़ा सा न्यू सा रहेगा एंड्रॉयड 14 के साथ जो कि ये मिलता है। बाकी यहाँ पे आपका जो मोर सिक्योरिटी के अंदर ऐप लॉक है उसकी अगर बात करें तो सिस्टम एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है, और आप फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट दोनों से ही इसको अनलॉक कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका जो ऐप है उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर हाइड भी उसे कर पाओगे, यहाँ पे ऐप को इसके अंदर हाइड का भी ऑप्शन मिल जाता है, और सिस्टम एप्लीकेशन सपोर्टेड है। ऑटो लॉक टाइम आउट वही बाकियों की तरह ही 5 सेकंड से 30 मिनट तक का यहाँ पे रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके का जो है ये मिल जाता है। और अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर नीचे आने के बाद सीआरड्रॉइड सेटिंग्स है जिसके अंदर पूरा इसका कस्टमाइजेशन है। स्टेटस बार में जैसे कि स्टेटस बार आइकन हो गया, क्लॉक एंड डेट का है जिसमें बैकग्राउंड आप इनेबल कर पाओगे, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर हो गया, और इसी के नीचे फिर आपको यहाँ पे रोमिंग इंडिकेटर मिलेगा, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस, वाईफाई स्टैंडर्ड आइकन, माइक, कैमरा, लोकेशन, मीडिया, इन सबके प्राइवेसी इंडिकेटर मिलते हैं। कलर आइकन हो गया, या फिर नीचे में आपको यहाँ पे शो नोटिफिकेशन काउंट है, लोगो आप इनेबल कर पाओगे, बैटरी जो स्टाइल वो मिल जाएगा, बैटरी परसेंट एंड चार्जिंग बैटरी बार है, टैप टू स्लीप है, ब्राइटनेस कंट्रोलर, क्विक पुल डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स के अंदर हेडर इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो कस्टम हेडर इमेज भी आप यूज़ कर पाओगे, सभी इमेज का आपको प्रीव्यू भी मिलता है, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, साइड पैडिंग या टॉप पैडिंग ये सभी आपको मिलता है। एंड ब्राइटनेस जो स्टाइल है यहाँ पर, यहाँ पे बैटरी स्टाइल जो दिया गया है ये आपको QoS पैनल के मिलता है, हाइड QoS ऑन, सिक्योर लॉक स्क्रीन है, बैकग्राउंड ओपेसिटी है, फूटर ओपेसिटी है, ब्राइटनेस लैडर की सेटिंग्स मिल जाती है, हैप्टिक फीडबैक, ऑटो ब्राइटनेस आइकन, एंड नीचे QoS स्टाइल जो स्टाइल है उसको भी आप चेंज कर पाओगे, साथ साथ यहाँ पे पैनल स्टाइल वो भी आप चेंज इसके अंदर कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड फिर टाइल लेआउट जो है वो उसके लिए आपको कॉलम वॉलम के लिए जो है पूरा मिलता है, टाइल एनिमेशन भी नीचे है, और डाटा यूजर्स और क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन मिल जाता है। नेक्स्ट हम लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो क्लॉक फॉन्ट स्टाइल मिलेगा, मीडिया कवर आर्ट मिल जाता है, तो ये सब रहेगा, बैटरी इन्फो मिल जाता है, वेदर की सेटिंग्स मिल जाती है, नीचे टैप टू स्लीप है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, एरर वाइब्रेशन, रिफल इफेक्ट है, फिंगरप्रिंट एनिमेशन ऑन ऑफ करने के लिए, ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे फिर मिसलेनियस में आपको पावर मेन्यू एक्सेस के लिए मिलता है, लॉक स्क्रीन में देना या नहीं देना उसके लिए मिल जाएगा।
एंड नेविगेशन बार यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे, पिक्सल एनिमेशन भी, बाकी इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बटन के अंदर यहाँ पे जो है पावर मेन्यू है, जिसमें आपको यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट मिलेगा, सिक्योर लॉकिंग भी मिल जाता है इसके अंदर में, लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च भी है, और नीचे आपको यहाँ पे रीओरिएंट मिल जाएगा, कंट्रोल प्लेबैक मिल जाएगा, तो ये सब है। यूज़र इंटरफेस में अम्बिन डिस्प्ले है, जिसमें ऑलवेज ऑफ वैन चार्जिंग है, म्यूज़िक टीकर है, ये सब रहेगा। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन मिल जाता है, मॉनिटर की सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे, जो कि सभी काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो कलर आप चेंज कर पाओगे। एंड फिर आता है नेविगेशन बार स्टाइल, हो आप चेंज कर पाओगे, फॉन्ट स्टाइल हो गया, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, आइकन पैक मिल जाता है इसके अंदर में, साथ साथ यहाँ पे सिग्नल आइकन स्टाइल भी हमें इसके अंदर में मिल जाता है, और यहीं पे जो है नीचे वाईफाई आइकन स्टाइल ये भी जो है देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और आइकन शेप ये भी आपको काफ़ी सारे मिलते हैं। लास्ट में फ्लोटिंग जो रोटेट बटन है उसको ऑन ऑफ आप यहां से कर पाओगे। नोटिफिकेशन के अंदर नॉइसी नोटिफिकेशन है, फोर स्टॉप बटन है, सो क्लिक बोर्ड ओवरले, यानी कि कुछ भी आप कॉपी कर तो साइड में जो पॉपअप आता है डिलीट कर सकते हो, उसको यहां से ऑन ऑफ कर पाओगे। हेडसम नोटिफिकेशन के लिए मिल जाएगा, और ब्लिंक फ्लश लाइट जो है वो आपको मिल जाएगा इनकमिंग कॉल के लिए, एंड बैटरी लाइट है जो कि काम कर रहा है तो इसको इनेबल कर लेना, एंड नोटिफिकेशन लाइट भी है। साउंड के अंदर पल्स है, वॉल्यूम स्टेप है, स्क्रीनशॉट साउंड, एडिप्टिव प्लेबैक है, वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट है, वॉल्यूम पैनल टाइम आउट है, इन कॉल वाइब्रेशन मिल जाएगा, तो ये सब रहेगा। मिसलिनियस के अंदर गेम स्पेस यहाँ पे भी उसे आपको मिलता है, अनलॉक हायर एफपीएस इन गेम का ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा, एंड अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज भी है, नेटफ्लिक्स प्रूफ है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, सेंसर ब्लॉक पर पैकेज है, पॉकेट डिटेक्शन है, तो ये सब आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगा। लास्ट में फिर अबाउट सीआर ड्रॉइड का मिल जाता है। सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर ऐप लैंग्वेज जो है ज़्यादा एप्लीकेशन पे सपोर्टेड नहीं मिलता, ये कुछ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, चार पे, बाकी रीजनल प्रेफरेंसेस है जिसमें टेम्परेचर या फिर फर्स्ट डे ऑफ वीक को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और यहीं पे नीचे जो है जेस्चर की सेटिंग्स हमें मिल जाती है, जिसमें क्विक टैप भी है, उसे बैक टैप जेस्चर जो है वो मिल जाएगा, तो इसका यूज़ आप कर पाओगे इसके अंदर में। और यहीं पे जो है बाहर में फिर नेविगेशन मोड है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जेस्चर में पिल लेंथ, पिल रेडियस, बैक जेस्चर हाइट, बैक जेस्चर हैप्टिक हो गया, एंड बैक सेंसिटिविटी सेटिंग्स हो गया, ये सब आपको मिलेगा। और थ्री बटन नेविगेशन अगर आप यूज़र हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, ये भी अच्छे तरीके से काम कर, और होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन मिलता है, जो कि सेटिंग्स आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, ये सब आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एंड बाहर 100 मोड है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिल जाएगा, रिंगिंग का है, तो ये सब आपको मिलेगा यहाँ पे। और नीचे फिर अपडेटर दिया गया, जो कि हालांकि काम का हमारे नहीं है, तो इसको इग्नोर करो। एंड डिवाइस सेटिंग्स मिलेगा इसी के अंदर, आपका एमआई साउंड एनहांसर भी है जो कि बिल्कुल काम करता है, एंड डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन, एफपीएस ओवरले, क्लियर स्पीकर, थर्मल प्रोफाइल, ये सब जो है देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अंदर में। अब अगर बात करें एंटूटू स्कोर को लेकर के, तो 208,007 जो है हमें इसके अंदर एंटूटू स्कोर देखने को मिला है। सीपीयू थ्रोलर इसके अंदर 91% मिला है, और जिप स्कोर इसका जो है मैक्स पे 138,000 है, एवरेज स्कोर में 130,000 जो है देखने को मिला, तो कुछ इस तरीके का सीपीयू थ्रोलर है। गीगबेंच स्कोर यहाँ पे हमें सिंगल में 303 मिला है, मल्टी के अंदर 1104 जो है देखने को इसके अंदर में हमें मिला है। और अगर बात करते हैं बूट एनिमेशन को लेकर के, तो बूट एनिमेशन जैसा पहले था उसी टाइप से जो है आपको बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता था, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। बाकी इंस्टॉलेशन का आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ कि डिस्क्रिप्शन पे इंस्टॉलेशन वीडियो मिल जाएगा, रिकमेंडेड रिकवरी भी है, वही आपको यूज़ करना है और वो इंस्टॉलेशन देख लेना, क्योंकि डायनेमिक पार्टीशन ये रोम है, उसी टाइप से आपको इंस्टॉल करना, कुछ अलग यहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए अब हम आगे गेम की तरफ बढ़ते हैं, तो ये था इसका बूट एनिमेशन। और अगर बात करते हैं यहाँ पे गेम स्पेस के बारे में सबसे पहले, तो गेम स्पेस जो है यहाँ पे आपका मोड, एफपीएस इन्फो, स्टे बैक, लॉक जेस्चर, नोटिफिकेशन, रैम यूजेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर जो ग्राफिक है स्मूथ पे 90% है, बैलेंस पे मीडियम तक रहेगा, उसके आगे ग्राफिक अनलॉक नहीं मिलता है, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलेंगे, 90% हमारा क्योंकि चलेगा नहीं। बाकी इसके अंदर में अगर परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं मिलती है, तो गेमिंग को लेकर के अगर देखोगे तो गेमिंग आपको ऐसी फिलहाल अच्छी नहीं है, ठीक ठाक से है, बट उतनी अच्छी अगर आप सोचोगे गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेली लाइफ यूज़ में आप गेम वेम अच्छे तरीके से कर पाओ यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको नहीं, थोड़ा बहुत के लिए ठीक है। टीडीएम मीडियम अगर आप खेलते हो क्लासिक में तो थोड़ा ज़्यादा ही आपका लैग होगा, तो टीडीएम मीडियम के लिए ठीक है, उतना अच्छी आपको परफॉर्मेंस के साथ ये नहीं आता है, तो इस चीज़ थोड़ा सा देखना होगा। बाकी यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें मिलती हैं अगर आगे कोई अपडेट आता है अरिजीत शाह की तरफ से, क्योंकि उनका फ़ोन भी ख़राब है, तो बोले तो है उसे अनऑफिशियल जो अपडेट्स हैं शायद तक मिलेंगी, तो देखते हैं, बट अभी जो है ये है, आगे कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर रिव्यू करूँगा। फिलहाल अभी जो है इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।